प्रदेश सरकार के औषधि प्रशासन आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र सावन के पहले सोमवार को अपने पैतृक गांव से धोना पहुंचे। सिद्धेश्वर महादेव धाम पर पूजा अर्चना करने के बाद औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया। लोगों को औषधीय बागवानी व्यवसाय करने का आह्वान किया। डॉक्टर दयालु ने कहा, हमारे औषधीय संपदा संकुचित होते जा रहे हैं, इस कारण हमें जड़ी बूटियां पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही, इसलिए जड़ी बूटियों के संग्रहण संवर्धन के लिए प्रयास किया जा रहा है। इनके पौधारोपण व्यवसाय की जड़ी बूटियों के कारोबार से आमदनी की वृद्धि की जा सकती है। हमारे पास प्राकृतिक दवाओं की कोई कमी नहीं है। निर्भरता कम करके अनाजों पर औषधीय और सुगंधित व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 100 दिन के लक्ष्य में पहला काम ये था कि गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर आयुष का विश्वविद्यालय गोरखपुर में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसका शिलान्यास हो गया है, काम चल रहा है। और उससे हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी आयुर्वेदिक राजकीय 19 विद्यालय और 86 प्राइवेट कॉलेजों का एफिलिएशन का काम शुरू हो गया है, प्रशासनिक भवन बनने की तरफ अग्रसर है। दूसरा लक्ष्य यह था कि करीब 500 हेल्थ वेलनेस सेंटर जो हमारे तैयार हैं, उस हेल्थ वेलनेस सेंटर का समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसके इम्पैक्ट स्टडी के लिए हम लोगों ने BHU से टाई अप किया है। BHU आयुर्वेद विभाग के लोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि इस हेल्थ वेलनेस सेंटर का समाज के लोगों पर जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसके द्वारा और जो इलाज हो रहा है उसका क्या लाभ हो रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि हम लोगों ने भारत सरकार को इस बात के लिए एक प्रस्ताव बना के भेजा है कि हम उत्तर प्रदेश के अपनी जड़ी बूटियों और औषधियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट खेती के द्वारा 134 प्रकार की औषधियों की खेती कराना शुरू करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कहेंगे उसको, तो उसके द्वारा हम लोगों ने उन पौधों की खेती कराकर, क्योंकि हमारी जो वन औषधियों की ज़रूरत है, वन पे अभी तक तो 80-85% हमारी आवश्यकता की पूर्ति वनों के द्वारा होती थी, लेकिन अब चूंकि निरंतर जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, 2014-15 में 5 लाख मीट्रिक टन जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ती थी, वर्तमान में 100 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत 2021-22 तक आ चुकी है मांग। तो उस मांग को पूरा करने के लिए जब तक वो फार्मिंग नहीं होगी किसानों से, अच्छा फार्मिंग का लाभ यह है कि किसान अभी तक जो गेहूं और धान की खेती करते थे, इसके अलावा जब ये औषधि पौधों की खेती करेंगे तो निश्चित उनको उपज का कई गुना लाभ मिलेगा और हमारी इन औषधियों की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।